से सटे गांव में आदमखोर बाघ के घूमने से ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं। बाघ ने ड्रांगरवाड़ा गांव में खेतों में कर रहे लोगों पर हमला कर मां के सामने ही 12 साल के बच्चे को शिकार बना लिया। इससे पहले भी बाघ के हमले में एक युवक की मौत हो गई थी। मुआवजे और वन विभाग की लापरवाही, अफसरों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। सवाई माधोपुर में बाघ का आतंक। मासूम बच्चे को बना लिया शिकार, नहीं किया काबू तो जाएंगी कई जाने, क्योंकि बाघ के मुंह में लग चुका है खून। रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे गांवों में रहने वाले लोग खौफजदा हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे गांवों में इंसानी जान लगातार बाघों के हमले का शिकार हो रही है। खेत में मृत पड़े इस बच्चे की तस्वीर देखिए, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। बाघ ने मासूम नीरज को मां के ही सामने मार डाला। जब ये हमला हुआ उस वक्त ये बच्चा अपनी मां के साथ खेत में मौजूद था। खून से लथपथ इस बच्चे की लाश चीख चीख कर कह रही है, अगर बाघ को काबू में नहीं किया तो न जाने कितनी और जाने जाएंगी, क्योंकि इस बाघ के मुंह में तो इंसानों का खून लग चुका है। जैसा कि कल टाइगर ने बच्चे पर, 10 साल के बच्चे पर हमला किया है, तो हम अभी तक यहाँ पर वन विभाग के कर्मचारी नहीं आए। 3 दिन पहले हमने अवगत कराया था कि यहाँ पे टाइगर का मूवमेंट है इस इलाके में, तो सचेत करने के लिए हम वो कर्मचारियों को अवगत कराया था, लेकिन किसी तरह की उन्होंने यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता बंद नहीं किए गए, तो टाइगर ने यहाँ पे अटैक किया जिससे बालक की मृत्यु हो गई। बाघ के हमले में बच्चे की मौत के बाद ग्रामीण गुस्से से उबल पड़े। रात भर शव को घटनास्थल पर ही रखकर धरने पर बैठे रहे। ग्रामीणों का गुस्सा इस बात पर है कि हमले के बाद वन विभाग को जानकारी देने के बाद भी कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीण और परिजनों का कहना है कि इससे पहले भी बाघ ने खंडार क्षेत्र के फरिया गांव में 2 लोगों पर हमला किया था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। तब से बाघ उसी जगह मूवमेंट कर रहा है। कल 3 बजे करीबन हमारे ये बच्चे की मार, बच्चे खेत पे काम कर रहे थे, तो इसीलिए इधर से बाघ आके और बच्चा को अटैक कर दिया। बच्चों को अटैक करने के बाद में इसकी माँ ने पता चला, ये बलडा के बच्चे के पास गई और इधर से दूसरे और आदमी आए। बाघ के हमले की घटना के बाद ग्रामीण दहशत में हैं, तो वहीं वन प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है कि हमलावर बाघ T108 हो सकता है, क्योंकि फरोदी वन क्षेत्र में T108 का ही मूवमेंट है। रणथंभौर में महज 50 बाघों के रहने की जगह है, जबकि वर्तमान में रणथंभौर के भीतर 72 बाघ हैं। ऐसे में ये बाघ टेरिटरी की तलाश में जंगल से बाहर निकल जाते हैं और इंसानों पर हमला बोलते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग बाघ की दहशत से खौफ में हैं। डर है कि कहीं आदमखोर बाघ उनके बच्चों और परिजनों को अपना निशाना ना बना ले। बाघ के लगातार हमले को लेकर वन विभाग की मॉनिटरिंग को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अरविंद सिंह, जी मीडिया, सवाई माधोपुर।